Assalamu alaikum everyone, I am Tanzeera Khan, the founder of girlythings.pk and also the writer and producer of Fruit Chart, the short film, and today I am at 3D Lifestyle. Of course, I feel safe in Pakistan, why not? Because जहाँ पर सेफ्टी की बात आती है और अगर सेफ्टी को खतरा है तो किस चीज़ से खतरा है और किससे खतरा है और अगर खतरा है तो उसकी रेमेडी भी है, उसका सलूशन भी है. एज अ फीमेल मेरे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो रेमेडी क्या है, कौन सी अथॉरिटी है, और अगर मैं इनसिक्योर फील करती हूँ, चाहे वो एक साइबर थ्रेट है या हरासमेंट है, तो किन प्लेटफॉर्म्स पर जाके मुझे उसको हाईलाइट करना है, उस पर आवाज़ उठानी है. फेमिनिज्म मेरे लिए चॉइसेस रखना, ख्वाहिशें रखना उसका नाम है. क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो एज अ फीमेल जो मुझ पर बैरियर्स लगाए गए उनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब वो बैरियर्स हटे तो फुली तौर पे मैंने अपनी लाइफ को सेलिब्रेट किया, इन्जॉय किया, इतना सारा काम किया, इतनी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी. तो मेरे लिए फेमिनिज्म उन बैरियर्स को तोड़ने का नाम है. आई थिंक स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी एज वुमेन टेक दैट वेरी सीरियसली. इट्स ओनली व्हेन वी टर्न 11 और 12 आवर मदर्स आर रबिंग रोज़ वाटर ऑन आर फेसेस. और जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे बेसन से मुंह धोने का बड़ा शौक था और अभी तक है. तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ खुद को खूबसूरत करने का तरीका नहीं है, क्योंकि खूबसूरत हर लड़की है पैदाइशी तौर पे. ये सिर्फ एक तरीका है खुद को रिमाइंड करने का कि मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, मैं रखूँगी, मैंने अपनी ज़िंदगी से अपना टाइम निकाला है जो सिर्फ मेरे लिए है. और जो आपका चेहरा होता है डेफिनेटली वो आपका कैनवस है, आपकी पहली रिप्रेजेंटेशन है, तो क्यों ना उसको पैम्पर किया जाए, क्यों ना उसको इन्हांस किया जाए. क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप अच्छी नहीं दिखती, या आपको कोई गोल ही नहीं है, या बस मसले बहुत ज़्यादा हैं, बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको गलत लगता है. क्योंकि ऐसा नहीं है, हम सबके अंदर वो ताकत होती है, वो स्ट्रेंथ होती है जो हमारे इनर डीमंस को फाइट करती है, हमारे ड्रीम्स की तरफ हमको लेके जाती है. तो सबसे पहला काम जो हम सब ने करना है वो ये है कि प्लीज़ खुद से झूठ बोलना बंद करें. यू आर नॉट अ विक्टिम, आप एक वॉरियर हैं. और आपकी जो सोच है वो सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि गिव मी हेल्प, यू शुड बी द वन जो हेल्प देने वालों में से हो. जब लाइफ में अपना स्टैंडर्ड ही मेंटल ये सेट कर लेते हैं कि आपने हेल्प देने वालों में से होना है, तो फिर लाइफ आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है. मेरे लिए बड़ा आसान था एक्सेप्ट कर लेना कि मैं तो एक डिसेबल इंसान हूँ, वेलफेयर स्टेट किधर है, गवर्नमेंट किधर है, मुझे डोनेशंस दें, उठा के वहाँ रखें, उठा के वहाँ रखें. लेकिन आज ऐसा नहीं है. आज मेरी नज़र, मेरी कोशिश है कि मैं लोगों को उठाऊँ, और इंस्टेड के वो लोग मुझे उठा के इधर से उधर रखें, मैं उनको उठा के इधर से उधर रखूं. तो यही लाइफ का आपने स्टैंडर्ड सेट करना है, और यकीन जाने इट्स गोना बी अ मिरेकल.